वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाजी जिन लोगों का बहुत ज़्यादा मोटा पेट है उसको कम करने के लिए आपने एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो है तुख्मे बलंगा। अब तुख्मे बलंगा जो है सब लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर तरीक़ाकार अलग अलग होता है इसका इस्तेमाल करने का। बाज़ लोग किसी तरह का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग किसी तरीके से, मगर आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगी इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो मोटा पेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और परहेज़ भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपने परहेज़ किन चीज़ों का लाजमी करना है जब भी आपका मोटा पेट कम होगा। अब तुख्मे बलंगा आपने लेना है एक चम्मच, 50 ग्राम लेकर आ जाएँ और इसको रखें एक जार में, और इसमें से आपने एक चम्मच लेना है और आधा गिलास पानी लेना है। तुख्मे बलंगा का एक चम्मच आपने पानी के अंदर डालकर घुमाना है अच्छे तरीके से और इसको रात भर के लिए भिगो कर रख देना है। आप गर्मी है तो आप फ्रिज में रख दें, सर्दी है तो बाहर ही रख दें, कोई मसला नहीं है, ढक कर। अब आपने सुबह को क्या करना है कि सुबह जब उठेंगे तो इसके अंदर आपने तुख्मे बलंगा के अंदर एक चम्मच अच्छे तरीके से घुमाना है क्योंकि थिक हो चुका होगा। फिर आपने क्या करना है कि लीमू पानी बनाना है। लीमू पानी आपने पानी का एक गिलास लें, उसमें लीमू एक अदर निचोड़ लें और इसके बाद आपने ये जो अपने तुख्मे बलंगा भिगोई है इसके अंदर आपने अच्छे तरीके से तुख्मे बलंगा मिला देनी है उस पानी के अंदर जो आपने लीमू का पानी बनाया है। इस पानी को आपने निहार मुँह इस्तेमाल करना है। अगर आप 15 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं बाकायदगी के साथ तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये मोटा पेट कम होना शुरू हो जाएगा। और शर्त यह है कि आपने परहेज़ एक ज़रूर करना है, वो ये है कि आपने तली हुई चीज़ें और चिकनी चीज़ें और जो कि चर्बी की बनी चीज़ें आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। आप मेरे उस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको 15 दिन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद आप 2-3 महीने भी इस नुस्खे को ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा देगा। दूसरे लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें, मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपका एक लाइक मेरी खुशी का बायस बनता है। आपको जब दवाई फ़ायदा दे दे तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपने कमेंट ये भी करना है कि आप किस शहर से किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो आपने लाजमी अपने शहर का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखा करें ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें।